तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ पोकेमॉन अनबाउंड का एक नया एपिसोड। तो बहुत लोग मुझे बोलते रहते हैं, भाई अपनी सेव फाइल दे दो प्लीज़, मैं उन लोगों को नहीं दे पा रहा, पता नहीं मेरे इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, मैं लिंक कन्वर्ट ही नहीं, मेरे सेव फाइल को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और कन्वर्ट कर पा रहा हूँ तो ईमेल आईडी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ईमेल आईडी नहीं, ऐसे पर्सनल में भेजते ना उसमें आ रहा है। मैं उन सबसे बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, प्लीज़ आप मतलब अनसब्सक्राइब मत करो जब मैं सेव फाइल नहीं भी दे पा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो। मैं आगे जाके देखता हूँ उनका प्रॉब्लम क्या चल रहा है। ओके, तो मैंने ज़रा म्यूज़िक एडजस्ट कर लिया है। वेल अभी मेरी ज़रा से टीम देख लो आप, पहले टीम नहीं है यार, ये देखो सारे के सारे पोकेमॉन जो मुझे लगने थे सारे के सारे साइड क्वेस्ट के लिए वो मैंने पकड़ लिए हैं। वेल मैं आप सभी को सब कुछ बता देता हूँ मुझे ये सब पोकेमॉन किसके लिए चाहिए है, पर मैं एक बात भूल गया था यार, यहाँ पे एक आंटी है ना एक पोकेमॉन एग दे रही है यार। वेल ये देखो, ये यंग ट्रेनर, आई हैव बीन कैरिंग अराउंड दिस एग विद मी एवर सिंस इट वॉज लेट, हाउएवर आई एम विलिंग टू गिव इट टू अ हेल्दी यंग पर्सन, वुड यू लाइक टू हैच एग? यस सर, प्लीज टेक गुड, इट्स अ वेरी स्पेशल एग। ओके, ओल्ड वुमेन ने दे दिया हमें, नाइस। एग बिलोंग्स टू स्पेशल पोके, नाउडेज इट इज़ कंसिडर मेनी टू बी अ फेरी। ओके, तो शायद से टोगपी होगी, टोगपी को अभी फेरी टाइप कंसिडर किया जाता है। ओके, इट ओकेजनली मूव्स, इट शुड हैच सून। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो ऑनेक्स मुझे किस लिए चाहिए, मुझे एक सब्सक्राइबर ने बोला था, मुझे उनका अभी नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ बीस्ट बुल गेमिंग टाइप नाम था, मैं अभी देख के नहीं आया। उन्होंने बोला था ब्लिजर सिटी में है ना एक जन है ना ऑनिक्स की जगह कुछ तो देता है, ऑनिक्स की जगह एक पोकेमॉन ट्रेड करता है और उसके पास है ना एक अम्यूलेट कॉइन होता है, वो मुझे लेना है। हैप्पी तो आपको पता है मुझे चाहिए थी, और स्टारेप्टर और सॉसबॉग मेरे पास कैसे है, तो मैंने एक स्टारली पकड़ा और उसे है ना ट्रेनिंग दी, और बहुत मुश्किल से, मैं कल रात से ट्राई कर रहा था और उसे बहुत मुश्किल से लेवल 34 पे भेजा है, और ये सॉसबॉग लेवल 30 का पकड़ा था और उसे लेवल 34 पे इवॉल्व हो गया, और मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी टीम में है ना सॉसबॉग रखूँगा, बहुत ओपी लगता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑनिक्स की लोकेशन कहाँ पे मिलेगी आपको। ओके, तो गाइस ऑनिक्स हाँ हमें यहाँ पे मिलेगा फ्रॉस्ट माउंटेन में, मतलब फ्रॉस्ट माउंटेन के एंट्रेंस पे ही नहीं मिलेगा, आपको बहुत अंदर जाना पड़ेगा तभी जाके आपको मिलेगा ऑनिक्स, और ऑनिक्स इस गेम में बहुत रेयर होता है, मुझे बहुत मुश्किल से मिल रहा था। तो अभी अगले पोकेमॉन की लोकेशन है ना यहाँ से एकदम पास ही में है, मैं आपको ज़रा सी दिखा देता हूँ। वेल आपको मतलब यहाँ पे फ्रॉस्ट माउंटेन के लिए आने के लिए बहुत घूमना भी नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से आओगे ना, ओके यहाँ से एकदम यहाँ पे, हाँ ये देखो यहाँ पे जो ये आ जाता है ना, वो क्या बोलते हैं यार इसे, मेरा नाम भी नहीं आता, तो यहाँ से आप है ना रूट 9 पे आ जाते हो तेहल टाउन के, इसे ऑटम वुड्स कहते हैं ऑटम वुड्स, तो यहाँ पे आके है ना हैप्पीनी की लोकेशन है ना आपको यहाँ पे मिलेगी, ये जो यहाँ पे घास है ना इसमें मैंने रात में ढूंढा आपको, तो रात में हैप्पीनी के मिलने के चांसेस बहुत है, तो हैप्पीनी को मैंने यहाँ पे पकड़ा था। और डियरलिंग मुझे कहाँ पे मिला, तो डियरलिंग की लोकेशन है ना या ये देखो ये जो घास है ना इसमें मुझे डियरलिंग मिला था, मैंने ग्रबिन भी पकड़ा है और उसके साथ मैंने ये भी पकड़ा है स्कोरूपी, मैं आपको बता देता हूँ। वेल आगे की लोकेशन मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। तो गाइस अगली लोकेशन स्टारली की है, तो स्टारली आपको इस वाले घास में मिल जाएगी सेंट्रल वोल्केनो के एंट्रेंस के स्टार्ट में, ये जो घास है ना आप सुबह में ढूंढो, सुबह में आपको स्टारली आसानी से मिल जाएगा। तो अभी हमें इन सब पोकेमॉन को लेके कहाँ कहाँ पे जाना है मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, और एग भी मैंने अभी कैरी किया है, और लास्ट में हम इसे हैच भी करेंगे थ्रू बहुत, जैसे भागेंगे ना साइकिल पे। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पे मिलता हूँ जहाँ पे हमें ये सब पोकेमॉन दिखाने हैं। ओके, तो गाइज एग यहाँ पे हैच हो रहा है यार। ओके, तो क्या होगा इस एग में देखते हैं। ओके, लगा था टोगेपी ही होगी इसके अंदर, मुझे गारंटी थी यार, गारंटी नहीं, मुझे नाम नहीं देना है। वेल ये कितने लेवल की है देखते ज़रा। ओके लेवल 1,
वेरी शेमफुल नहीं कह सकते, केबिट एक्सप्रेसवे में है चुई देखो। ओके क्या अटैक है? ओके इतने में कुछ खास अटैक नहीं है। वेल तो अभी मिलते उस जगह पे। ओके तो मुझे अगली सिटी ब्लिजर्ड सिटी में आना था। यहाँ पे एक ऑनिक्स को ट्रेड करना है मुझे, जिससे वो जो पोकेमोन जो मिलेगा वहाँ पे उसके पास अमुलेट कॉइन होगा, तो मैं आपको वो घर जल्दी से ढूंढ के मिलता हूँ। ओके तो गाइज मुझे ये लड़की मिल गई, ये ट्रेड करते हैं। हाय डू यू हैव एन ऑनिक्स? वॉन्ट टू ट्रेड इट फॉर माई इलेक्ट्रो? इट्स ग्रेट इफ़ यू वॉन्ट बैटल माई मॉमी। ओके तो ऑनिक्स ना, हाँ ये देखो ऑनिक्स। ओके तो ऑनिक्स जा रहा है। नहीं मैं आपको घर बता देता हूँ ये कौन सा घर है। वेल तो जल्दी से ट्रेड कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड मिल गया, नाइस। जिसको इलेक्ट्रोड में इंटरेस्ट है वो ले सकता है। रोली पोली, वो नाम भी अच्छा है। टेक गुड केयर ऑफ रोली पोली, माई मॉम्स गोना फ्लिप व्हेन शी सीज माई न्यू पोकीमॉन। तो ये बोले हम इसकी मॉम से बैटल कर सकते हैं। वेल ये सच है क्या? डोरी जोपन। ओके जी, ओके नहीं हम इसकी मॉम से नहीं बात कर बैटल कर सकते। हाय माइंड इज टू डे, आई कांट बेयर टू। ओके तो जल्दी से मैं आपको ये घर कौन सा है वो बता देता हूँ, और देखता हूँ इसके पास अमुलेट कॉइन सच में है क्या। और ये बच्ची कहाँ पे गई यार? लिटरली बच्ची गायब। बच्ची किधर गई? बच्ची किधर गई? ओके बच्ची बाहर भाग गई, बच्ची बाहर भाग गई होगी शायद से। वेल देखते हैं, देखते हैं शायद से अंदर। ओके अंदर है, अंदर है। मुझे गलत फहमी हुई, सॉरी फॉर इट। देखो ये वाला घर है डायरेक्ट यहाँ, यहाँ पे एक देख लो, यहाँ पे एक लड़का होगा। वेल देखते हैं इस रोली पोली के पास। ओके रोली पोली पोकीमोन में होगा। वेल ओके आइटम तो है इसके पास, टेक। ओके नाइस और बोला था बीस्ट उन सब्सक्राइबर ने कि यहाँ पे एक ये मिलेगा हमें, एक री बैटल मिलेगी। मुझे पता है कैंडिस के साथ ही री बैटल होती है, मैं उसके इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो गाइज मैं आपको अगले लोकेशन पे मिलता हूँ। ओके तो अगले लोकेशन के लिए हमें पोकीमोन डे केयर में आना होगा। आपको ये लड़की तो याद होगी जो हैप्पीनी मांग रही थी, उसे देखना था। वेल अभी इससे बात करके देखते हैं। हैव यू ब्रॉट मी हैप्पीनी टू स्टडी? फ्रिस्क। स्मेल्स फेंटली ऑफ लक लक इंसेंस, द सेंट हैज असेंडेड माय नॉस्ट्रिल्स। प्लीज ब्रिंग मी अ मेंटेक सो आई कैन स्टडी इट टू। यार ये लगता है पागल हो गया, बार बार काम करा रही है मुझसे। वेल मुझे देखना पड़ेगा पोकेडेक्स में मिलता भी है क्या कुछ सी पोकीमोन। ओके सी पोकीमोन मैंटाइक बोली थी। स्टारियो, शेल्डर, स्पियल, कारवाना, कायोगर। ओके कायोगर पता होगा कहाँ से आया है। वेल जिनको नहीं पता। ओके तो अभी भी ये मुझे कुछ रिवॉर्ड देने नहीं वाली, तो मैं आपको अगले लोकेशन पे मिलता हूँ। ओके तो अगले लोकेशन के लिए हमें फॉलशोर सिटी में ही आना है। यहाँ पे एक लड़की थी जिसे स्टारेप्टर देखना था। वेल स्टारेप्टर और हैप्पी। ओके ये देखो ये है वैसे। ये नहीं यार, मैंने गलत लड़की से पंगा ले लिया। ओके तो मेरी टोगे पे बहुत बहुत ही अटैक सीख रही है। नहीं मुझे नहीं सिखाना है चाम। ओके और भी लेवल अप हो रही है यार, क्या करूँ अभी। ओके टोगपी, ओके एनकोर सीख रही है, मुझे नहीं सिखाना है टोगपी को एनकोर। सनफ्लोरा,
ओके टोगेपी लेवल 15, टोगेपी लेवल 16, एंशंट पावर। ओके यार कुछ अच्छा अटैक सीख रही है यार, ऐसा नहीं यार कुछ भी सीख रही है। ओके तो मैं मॉर्निंग सन हटा देता हूँ, एंशंट पावर। ओके ओके टोगेपी लेवल 17, लेवल 18। ओके नाइस यार, मैं यहाँ पे आया ही क्यों यार, बैटल कर मतलब बैटल नहीं यार, मैं स्टार अप कर दिखाना आया था। हील कर ले भाई तू मेरे पोकेन पहले। वेल यार क्या नसीब है मेरा। ओके तो प्रोबेबली वो लड़की इस घर में होगी शायद से। ओके हाँ ये देखो ये वो लड़की। लेट्स सी दोज ब्यूटीफुल स्टारेप्टर विंग्स, फ्रेस क्वेस्ट, दोज आर सम माइटी फाइन विंग्स। टुमारो आई वुड लाइक टू सी सम नाइस टैलेंट फिल्म विंग्स। क्या मैं तुझको पागल लगता हूँ जो तेरे काम कर रहा हूँ। और इसने मिशन अपडेट भी कर लिया, नाइस। देखो यार कैसे लोग हैं यहाँ पे। और अभी एक और जगह पे जाना है, वो मैं घर ढूंढ के आपको दिखाता हूँ। ओके तो गाइस ये घर में है ना, ये लड़की मांग रही थी लड़का को पता नहीं, हैप्पी नहीं, आई वांट टू सी हैप्पी नहीं, यस। ओके तो इसे हैप्पी नहीं दिखा देते हैं। हैप्पी नहीं, इट्स सो कडली एंड पिंक, यू शुड यूज द ओवल स्टोन टू इवॉल्व इट। ओ नाइस यार इसने ओवल स्टोन दे दिया। यू हैप्पी नहीं शुड होल्ड द ओवल स्टोन ड्यूरिंग द डे टाइम। ओके यार ये बड़ा अच्छा है, इसने हमें एक फ्री का स्टोन दे दिया, ओवल स्टोन, जिससे हम अपनी हैप्पीनी को इवॉल्व कर सकते हैं, पर मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और एक जगह पे हमें जाना है, तो ये देखो ये घर में आपको मिलेगी वो लड़की हैप्पीनी वाली। और एक जगह पे मुझे जाना है, मैं आपको वहाँ पे मिलता हूँ। ओके तो अगला मुझे तेहल टाउन में आना है। वो पता है कल के एपिसोड में मुझे डाउजिंग मशीन मिली थी, तो उसके बाजू में ना एक और एक साइंटिस्ट था, उसे सॉसबग देखना था। मैं लेके आ गया, हैव यू ब्रॉट मी अ सॉसबग इन इट्स स्प्रिंग फॉर्म टू स्टडी। इट डज नॉट अपियर यू हैव ब्रॉट वन, आई वुड लाइक टू से कि तो इसे स्प्रिंग फॉर्म देखना था। मैंने कौन सा लाया यार, तो ये स्प्रिंग फॉर्म नहीं है क्या। वेल ये कौन सा फॉर्म है। ओके ये पता नहीं यार कौन सा फॉर्म है। ओके सैप सीपर, यार टोटल टाइम वेस्ट हो गया यार हमारा। वेल अगर हम यहाँ पे आ ही चुके हैं, तो मैं यहाँ पे एक सॉस बग पकड़ लेता हूँ यार, सॉस बग अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। वेल यहाँ पे मिलता है सॉस बग, मतलब डियरलिंग। हाँ ये देखो डियरलिंग। वेल फीमेल नहीं पकड़नी है मुझे, ज़रा मेल पकड़ लेता हूँ, और वैसे भी लेवल 30 का पकड़ो यार। ओके तो मुझे लेवल 29 का मिला है, कुछ नहीं मुझे लेवल 30 का मिला था, पर मैंने उसे गलती से फेंट कर दिया यार, वेरी सैड। और हैप्पी भी मर गई उस वक्त पे। वेल डियरलिंग अच्छा है यार टीम के लिए, मतलब उतना भी बुरा नहीं है यार। ओके फिंट अटैक करता हूँ, आई होप मरे ना। ओके अच्छा खासा डैमेज हुआ है। ओके तो मैं अभी पोकी बॉल, कौन सी तो बॉल डाल के देखता हूँ, नेट बॉल डालूँ क्या या फिर डस्क बॉल। ओके क्विक बॉल आएगा क्या यार, मुझे मुझे नहीं लगता क्विक बॉल में आएगा। एक दो तीन, नाइस 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 यार, डियरलिंग कॉट हो गया, ये अच्छा है। टोगेपी लेवल 19, नहीं मुझे नाम नहीं देना है। वेल इतना ही हो जाता है। तो गाइज मेरे लिए तो एपिसोड लंबा है, पर आपके लिए है ना अभी तक एपिसोड छोटा ही होगा, क्योंकि हम सब मिशन ही कर रहे हैं। तो मैं अब भी आपको फॉल्सोर सिटी में मिलता हूँ। ओके तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास डियरलिंग आ चुका है। डियरलिंग है, ग्रबिन है, सॉसबक है, स्कोरुपी। इन ग्रबिन और सॉसबक की लोकेशन मैंने आपको बता ही दी थी, आपको पता है। वेल तो मैं अभी अपनी टीम ज़रा रख लेता हूँ। अल्टारिया विड्रॉल, ओके सामोरॉट। ओके तो मेरे पास तीनों है भाई, फायर टाइप, वाटर टाइप और ग्रास टाइप भी। विड्रॉन ओके, अभी 90s को भी ले लेते हैं। और सॉज ओके डियरलिंग, डियरलिंग ओके विड्रॉ। और मुझे ज़रा एक चीज़ देखना है, क्या इनके पास आइटम्स है क्या। ओके इनके पास कोई आइटम नहीं है, और यहाँ पे तो सबके पास आइटम है। और यहाँ पे क्रैबो मिंगल के पास स्नो बॉल है, वेल रहने देते हैं इसके पास, कभी आगे जाके क्रैबो मिंगल यूज़ करने का मूड हुआ तो मैं कर लूँगा,
वेल 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 ओके, तो अभी आप बता दो यार मेरी टीम कैसी लग रही है। ये मेरी टीम है, और अभी मुझे एक काम और करना है। यहाँ पे एक बंदा है जो हिडन पावर देता था हमें, आपको याद होगा, तो मुझे उससे पूछना है। ओके, क्या वो, एक मिनट रुको ज़रा। नहीं, ये घर नहीं। ओके, यहाँ पे नहीं। ओके, ये भी नहीं है यार। जो हमें हिडन पावर देता है ना, उससे पूछना था शायद से। ओके सॉरी, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है मुझे। ओके, तो ये घर भी नहीं है, मैं गलत घर में आ चुका हूँ। ओके, तो मैं गलत घर में घुस गया था, वो घर यहाँ पे है। हाँ, ये देखो हिडन पावर वाला बंदा। आई कैन टेल यू विच टाइप ऑफ हिडन पावर योर पोकीमॉन विल लर्न। डू यू वॉन्ट टू नो? यस, मुझे पता करना है। मेटाग्रॉस। ओके, द मूस टाइप वुड बी घोस्ट। ओके यार, ये अच्छा है। ओके, घोस्ट अल्टारिया क्या सीखेगा? ओके, घोस्ट ही। वाह, ये कई बेवकूफ तो नहीं बना रहे ना? सामुरोट क्या सीखेगा? मूव्स है। ओके, आइस होगा उसके पास। वेल नाइस। ओके, मैग्मोटर क्या सीखेगा फिर हिडन पावर में? ओके, फाइटिंग होगा उसके पास। नाइस, यस। ओके, नाइनटेल्स क्या बनेगी? ओके, नाइनटेस इलेक्ट्रिक होगी यार, ये अच्छा है। नाइनटेस को हिडन पावर सिखा देंगे हम लोग। डियरलिंग क्या सीखेगा फिर? ओके, क्या फ़ायदा अगर वो अगर ग्रास टाइप हो गया, ग्रास वाला ही हिडन पावर सीखेगा तो। अभी जाने देते हैं यार, बहुत टाइम पास कर लिया हमने। हमें अभी जिम को भी टेक डाउन करना है यार, और हमारे पास 4 बैजेस हो जाएंगे, 4। और अगले एपिसोड में हम जैपडोस को सेव करने भी जाना है। वेल, देखते हैं। ओके, चैंप इन द मेकिंग, हाउ गुड टू गुड बैटल, वेलकम टू फॉल्स शोर सिटी जिम, हैव सम फ्रेश वाटर स्ट्रेट फ्रॉम ओके पॉन्ड्स। ओके ओके, वी आर जस्ट नॉर विल ही इज जस्ट अ नॉर्मल गाय। इफ दे वर नॉर्मल नॉर्मल टाइप ऑफ गाय, आई वुड से यूजिंग फाइटिंग टाइप वुड बी अ ग्रेट वे टू टेक हिम डाउन, बट इट इजेंट। इन द जिम ऑल बैटल्स आर इनवर्स बैटल। या मुझे पता है टाइप मैच, सो यू कैन गेस वॉट टाइप वी बेस्ट सुटेड टू टेक मेल। यू आर राइट, दिस इजेंट वन। घोस्ट टाइप मूव विल बी सुपर इफेक्टिव अगेंस्ट दिस नॉर्मल टाइप। ओके, थैंक यू ये सब के लिए। चेकआउट द इन, ओके मैंने देखा है यार वो इनवर्स वाला बैटल। ओके, मेक स्टॉक अपन सप्लाईज फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे लैप्रेस पे हमें सवार होना पड़ेगा। यहाँ पे और कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो मुझे इस गड्ढे में गिरना पड़ेगा शायद से। ओके, ओ भाई साहब, ये कहाँ पे आ गया मैं? ओके, तो पत्तों पे मुझे ये करना पड़ेगा। ओके यार, ये भी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कोई नहीं है। वंस दिस वॉज अ वाटर टाइप जिम बट रिमूविंग थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर कॉस्ट टू मच, सो वी केप्ट इट। ओ भाई साहब, इसीलिए कॉस्ट कटिंग किया, मतलब कॉस्ट कटिंग भी नहीं है, रख लिया जैसे था वैसे था। ओके, तो फाइटिंग टाइप इसके ऊपर कोई असर नहीं करेगा। तो इसके ऊपर क्या असर करेगा यार? ओके, सॉस बग, वो ग्रास टाइप है, तो मुझे ये निकालना चाहिए। समरॉट, या मुझे भी समझ में आ रहा है कैसे करनी है बैटल सीन से। सॉस बक, ओके, वाटर से रेजर शेल यार। और हाँ, मुझे पता चला कि ये जो अभी हमारे पास डियरलिंग है ना, वो ऑटम फॉर्म है, इसीलिए वो नहीं ले रहा था उसे। ओके, हर डियर, मुझे नहीं पता हर डियर के लिए क्या है, सॉरी, इसीलिए वो ले रहा नहीं था उसे। स्प्रिंग फॉर्म देखना है वैसे, ऑटम फॉर्म भी अच्छा है यार। ओके, और एक रेजर शेल, नाइस। ओके, ब्यूटी लाइन, आई यूज टू वर्क हर बैक देन बट नॉट मच हैज चेंज सिंस। ओके, तो यहाँ पे तो पूरा खाली है। तो बीच में हम बाद में जाएंगे, पहले कोपरे में जाके जाते हैं। ओके, ओ नाइस यार, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ओके, नहीं, पहले यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो प्रोबेबली मैं यहाँ पे ही आने वाला था, बीच से गया था, ऑलमोस्ट देर।
कहाँ पे यार? ऑलमोस्ट देयर, किस लिए? स्व ब्लू, ओके स्व ब्लू के लिए क्या करूँ यार? ओके नाइस यार, साइकिक से भी चला गया। पिकनिक कर केटलिन, हाँ आई एम किंग, इट्स स्टिल अ लॉट फार्दर। देखा ये सभी लोग झूठे हैं यार आप पे। ओ ओ ओ ओ यार ये बड़ा यार, अच्छा ओके तो यहाँ पे प्रोबेबली दो लैप्रेस है, मुझे इन दोनों में से एक लैप्रेस चूज करनी पड़ेगी। ओके तो पहले यहाँ पे जाके देखें। ओके इससे भी बेटर कर लेते हैं। हैव यू नोटिस द एवरेज ब्यूटी क्वोशेंट ऑफ दिस जिम इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द नेशनल एवरेज? लग तो नहीं रहा, वेल देखेंगे। नाइस नाइस नाइस, ओके लेवल 49 का हो गया, लेवल 50 के होने वाले यार अभी। ब्यूटी लोरी यार कुछ अलग ही नाम लग रहा है। यू मे हैव वन बैटल बट आई एम डेफिनेटली अहेड इन माई लुक्स। और हाँ पिछले एपिसोड में हमें ये मिला था यार, डाउजिंग मशीन, बहुत अच्छी है यार डाउजिंग मशीन। ओके तो यहाँ से हम जंप नहीं कर सकते हैं। वेल इस लैपटॉप के ऊपर चढ़ते हैं। ओके, सीन के ऊपर ही लेके गई यार, नाइस लैपरेस। तो यहाँ पे ही जाना पड़ेगा। ओ भाई साहब, अगर ये लैपरेस हमें यहाँ पे लाती है तो वो लैपरेस हमें कहाँ पे लाती होगी? वेल देखते हैं ज़रा, देखते हैं हम, देखते हैं। ओके, ज़रा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। ओके तो प्रोबेबली हम लोग यहाँ पे ही आ जाते हैं। ओ भाई साहब ये क्या है? ओके तो इससे बैटल करेंगे हम लोग। आई एम मेस पर्सनल सेक्रेटरी, इन ऑर्डर टू शेड्यूल अ मीटिंग विद हिम यू मस्ट फर्स्ट डिफीट मी इन बैटल। ओके म्याओ थे इसके पास। वेल मैंने फिर से वही गलती की। वेल गलती तो नहीं है। डियरलिंग लेवल 30, नाइस। ब्यूटी टामिया, आई गेस आई कैन पेंसिल यू इन फॉर अ बैटल बिफोर मेल्स हार्डली टचअप। कुछ तो गंदा बोलिया शायद से। वेल मुझे भी डायरेक्ट मेल से बैटल करनी है, इन सब पपलू लोगों से बैटल नहीं करनी मुझे। ओके तो यहाँ पे तो पूरा ब्लॉक है। वेल यहाँ पे और एक बैट ट्रेनर है। वेल इससे बैटल करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अरे ओके तो यहाँ पे इस लैप्रेस पे चढ़ के देखते हैं। ओके तो इससे बैटल होगी। ओके वो लैप्रेस, ओ भाई साहब वो लैप्रेस कुछ तो की। डू डोंट गो चेजिंग वाटरफॉल। ओके लिली पप, यार सब नॉर्मल टाइप लोग क्या है यार? ओके लावा प्लूम कर लेते हैं। ओके सॉरी। ओके सामोरॉट ड्यू टू लेवल 43। ब्यूटी एलेसिया, एट वॉट हैपन्स व्हेन यू चेज वाटरफॉल्स? ओके तो वो लैप्रेस ने कुछ तो किया यार, अभी देखना पड़ेगा हमें। ओके यहाँ से एकदम वहाँ पे जाना पड़ेगा। नहीं यार यहाँ पे नहीं। ओके शायद से यार, शायद से मुझे नीचे जाना पड़ेगा। ओके नीचे भी नहीं जाना पड़ेगा शायद से। हाँ नीचे जाना पड़ेगा मुझे, वो लैप्रेस ने अभी क्या किया है ना वो देखने के लिए। ओके तो जल्दी से नीचे आ गया मैं। ओके राइड ऑन लैप्रेस बॉय। ओके घास पे आ गया मैं, मुझे अभी यहाँ से जाके देखना पड़ेगा उस लैप्रेस ने भी क्या किया है। ओके लैप्रेस से भी हम जा बात कर सकते हैं शायद से। ओके शायद से नहीं। ओ इस लैप्रेस ने यहाँ पे रास्ता बना दिया शायद से। हाँ शायद से नहीं, रास्ता ही बना दिया। ओके ओ नहीं यार, यहाँ पे तो पूरा ब्लॉक है यार, पूरा ब्लॉक है। ओके स्मियर गर्ल,
इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँ? आयरन एड, चलो आयरन एड कर लेते हैं। नाइस नाइस, ओके पेंटर हर, बट डेट वॉज नॉट इनफ टाइम टू पेंट। यार ये गलत हो गया यार मेरे साथ, स्कैम हो गया स्कैम। ओके एकदम धीरे धीरे चल रही है लैप्रेस। ओके तो ये लैप्रेस से मैं बात कैसे करूँ यार? मे बी इससे बात। ओके देर वॉज अ पोकेन हाइडिंग अंडर द लिली पैड, पोकेन अटैक्ड। ओ भाई साहब ये क्या हुआ वे? ओके लॉम्ब्रे था वहाँ पे, नाइस। ओके आयरन एड कर लेते हैं, वाई नॉट, इफेक्टिव है तो है। ओके नाइस नाइस, मेटाग्रॉस। ओके यार फिर भी मैं इसे एक्सेस नहीं कर पा रहा यार इस लैपरेस को। वेल देखेंगे आगे। और यहाँ पे और एक लैपरेस है कहाँ? यहाँ पे और एक लैपरेस है। यस मुझे लैपरेस पे राइड करना है। ओके तो मैं पूरा डेफिनेटली रॉन्ग आया था। वेल मुझे यहाँ पे ही आना चाहिए था। वेल यहाँ पे सेव कर लेता हूँ पहले, वाई नॉट। ओके तो यहाँ पे अभी जिम लीडर से बैटल करते हैं। हाउ डू यू देयर पार्टनर, गुड टू सी यू टू सो सून, आई होप माई हम्बल अबाउट इज टू योर लाइकिंग एंड ऑल, इफ नॉट आई एम श्योर देयर समथिंग एल्स अराउंड यू कैन कीप योर आईज ऑन, देयर लेट्स बैटल। ओके यार एकदम पीछे हो गया मेल, मेल जरा पतना। ओके थोड़ा सा पतला लग रहा है यार। ओके बी वियर। ओके तो मुझे पता नहीं क्या यूज़ करूँ, मैं आयरन हेड यूज़ कर रहा हूँ। ओके नाइस, और एक, अरे और एक लग जा आयरन हेड। ओके और एक और एक और एक क्विक लॉ, क्विक लॉ मैंने इसे पकड़ा है ना, वो बहुत अच्छा किया है मैंने। ओके मैगमोटर लेवल 43, मिल टैंक। ओके तो मैगमोटर को देखता हूँ, वो शायद से कुछ कर लेगा। ओके नहीं कुछ नहीं कर सकता मेरा मैगमोटर। ओके कुछ तो किया यार, लावा प्लूम। यार लावा प्लूम बहुत अच्छा अटैक है। डियरलिंग लेवल 31, लो पन्नी। यार मुझे टाइप एडवांटेज पता ही नहीं है इनवर्स बैटल में। हाउ गुड वी लुक एट फाइट लोपनी। यार लेवल 34 की है तेरी लोपनी और मेरी लेवल 43, पूरा का पूरा इनवर्स सिस्टम। ये देखो इसके जिम में इनवर्स बैटल है ना, तो देखो इनकी लेवल भी इनवर्स है, मेरा 43 है तो उसका 34 है। या सच अ नूब। ओके और एक, ओके फ्लेम बॉडी, नाइस। ओके नाइस, नाइन टेल्स लेवल 34, लीडर मेल। कॉन्ग्रेट्स पार्टनर, बट जस्ट रिमेंबर डैट आई वुड वन इफ यूड बीन फाइटिंग फॉर स्टाइल पॉइंट्स 5004। ओके होली मोली व्हाट अ फाइट, आई रेकन यू शुड टेक द फॉल बैज नाउ। ओके ओ भाई साहब फॉल बैज देखो यार कितना अच्छा लग रहा है। विद द फॉल बैज एनी पोकेमॉन अप टू लेवल 60 विल ओबे यू, इट ऑल्सो अलाउज यू टू पोकेमॉन टू मूव हैवी बोल्डर्स विद स्ट्रेंथ। Honestly, I don't know why any stronger Pokemon can't already do this. But what can you do? That's just the way that world works. Anyway, take this time to go along with that badge. Facade de diya, nice. Push the T. Okay, facade. If a Pokemon has a status condition, then move to it twice as powerful. You will make. Okay, yeah, ye bada acha system hai. Well, abhi chale jaate hai niche. Okay. Direct niche aa gaya yaar main. वेल अभी से बात करते हैं। ब्रावो मेल टू क्वाइट अ बीटिंग डिडंट ही, आई बेट यू हैव टेकन ऑन इवन वर्स वन हैड यू हैड दिस जेम। चलो यार जेम मिल रहा है बस इतने से अपने को मतलब है। डेट जिम जेम आई गेव यू पावर अप अ सिंगल नॉर्मल टाइप मूव इन बैटल, नॉर्मल टाइप मूव मे नॉट बी सुपर इफेक्टिव अगेंस्ट एनीथिंग बट विद डैट जेम यू कैन श्योर फील लाइक दे आर। ओके यार फाइनल यार इसे हरा दिया। अभी हमारे पास चार बैजेस हो चुके हैं तो हम वो यूनोवन स्टार्टर्स लेने जा सकते हैं। वेल ओके सुजल, ओके 58,000 है मेरे पास, ये अच्छा है। हाँ ये देखो मेरा फॉल बैज फॉल, और देखो मिशंस कंप्लीट अभी यहाँ पे लिख के आया है 11।
नाइस। तो गाइज आज के एपिसोड के लिए इतना ही रख देते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे नहीं पता आपके लिए एपिसोड कितना लंबा है कितना छोटा, पर मेरे लिए तो बहुत लंबा है क्योंकि मुझे बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ी थी। और आप मेरे डियरलिंग के बारे में राय देना मत भूलना कि मैंने इसे अपनी टीम में रखे अच्छा किया है कि नहीं। वेल देन, मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय।